इधर आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी का पहला कश्मीर दौरा, और उधर बौखला गया पाकिस्तान, या यूं कहें कि कश्मीर का विकास देखकर बुरी तरह घबरा गया पाकिस्तान। खबरें यहां तक आई कि पीएम मोदी के दौरे को नाकाम साबित करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सक्रिय हो गई। इन खबरों में दावा किया गया कि आईएसआई की इस मुहिम के तहत कश्मीरी लोगों को विदेशी नंबरों से फोन कॉल आए, लोगों से कहा गया कि वो पीएम मोदी की रैली में शामिल ना हो वरना अंजाम बुरा होगा। मगर पीएम मोदी की रैली में जबरदस्त रौनक दिखी। कश्मीरी लोग पीएम मोदी को देखकर पूरी तरह खुशी में नहाए हुए नजर आए, मतलब खुद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के गाल पर वो तमाचा जड़ दिया जिसकी गूंज लंबे वक्त तक रहेगी। ये वही पाकिस्तान है जो बार बार कश्मीर राग अलापता है और दुनिया के सामने भारत से फटकार भी खाता है। इसी पाकिस्तान को हाल ही में भारत ने वैश्विक मंच पर कैसे फटकारा, आपको ये भी बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि पीएम मोदी ने अपने कश्मीर दौरे पर इस जीते जागती जन्नत को क्या सौगातें दी हैं। तो पीएम मोदी ने कश्मीर पहुंचकर विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत पर्यटन और कृषि सहित कई क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंचकर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए करीब 5000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना यानी तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के तहत 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें हजरत बल तीर्थ का विकास भी शामिल है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। प्रधानमंत्री ने देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान भी शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने चुनौती आधारित गंतव्य विकास यानी CBDD योजना के तहत चयनित पर्यटन स्थलों की भी घोषणा की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लगभग 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं, साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की है। इन लाभार्थियों में महिला अचीवर्स, लखपति दीदी, किसान उद्यमी आदि शामिल है। मतलब साफ है कि अब कश्मीर में हो रहा है सिर्फ विकास, विकास और विकास। अब फिर से बात उस पाकिस्तान की कर लेते हैं जो लंबे वक्त से कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिशों में लगा रहा है, जो आतंकियों को पनाह देता रहा है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। भारत ने कहा कि वो ऐसे किसी देश पर ध्यान नहीं दे सकता जिसके हाथ दुनिया भर में प्रायोजित आतंकवाद के खून खराबे के चलते लाल हैं। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के अपने ही लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनकी सरकार उनके वास्तविक हितों को पूरा करने में नाकाम रही है। फिलहाल पाकिस्तान के लिए अच्छा यही होगा कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलने की बजाय भारत से कुछ सीखे और आतंक की राह से मुंह मोड़े।